पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम, यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिखते पढ़ाती थी। मजाक नहीं कर रहे हैं, और आप तो समझ रहे हैं अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था ब्लैक बोर्ड का, समझ रहे हैं ऐसा, वो पीछे से आता था, लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू होते ही 2 महीने के लिए छुट्टियां हो गई। क्यों? ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। तो वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना चार दोस्त थे, साम दाम दंड भेद, वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं। तो साम दाम ने एक टीम बनाया, इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि भेद को दंड मिला ना। ये सिर्फ हस्ती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। इतना है कि और भी बता दीजिए, जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, और डिटेल दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बोलते हैं खाली। लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट था सर, हमारा एक भाई है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, वो गांव से आया हुआ है, आप लोग थोड़ा उससे सब बातचीत करेंगे, थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे। और शर्मा जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट था, आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, पुरुषोत्तम आएगा ना एक बार, बस उससे कह दीजिएगा पुरुषोत्तम तुम कितने हैंडसम हो। मैंने देखा ही नहीं अभी तक। हाँ तो देख के बस बोल दीजिएगा तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, हम बुला लेते हैं पुरुषोत्तम। वाह तेरा भाई बड़ा हैंडसम है। आई तो हमारे खानदान में सब हैंडसम है, ज्यादा चापलूसी करने का जरूरत नहीं है। देखा हमारा यहाँ पे कितना चलता है, एक नंबर दीदी, एक नंबर। सब लोग हैं, नमस्ते कर दो। ये बड़ा अच्छा लड़का है, गांव में ना भैंस चराता है, इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। नहीं तो मतलब भैंस चराता है तो मोटिवेट करके क्या होगा, शेर चराएगा बाद में। और शेर चराएगा तो शेर इसको चर नहीं जाएगा। नहीं नहीं ऐसे हम खाली कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा बकरी जैसा है ना, तो वैसे ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको बताओ कहाँ क्या बनना चाहते हो जीवन में आगे। एचआर। अरे वाह, देखे कोई बड़ा कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा ये। अरे एचआर मतलब दीदी ऋतिक रोशन, दिन। ना जूता पहनने का काम किया करो, जूता खाने का नहीं। काम किया है, कुछ बड़ा किया है लाइफ में? किया ना दीदी, एक बकरी के बच्चे को बड़ा किया है। जिराफ बना दिया बकरी के बच्चे को, अरे कुछ अलग किया है? हाँ दीदी अलग किया है, वही बकरी का बच्चा भैंस का दूध पीने जा रहा, तो हमने उसको अलग किया है। इससे नहीं होगा, मैं रहने दो, इधर आओ, ये देखो इतना बड़ा बड़ा लोग बैठा है, इनके सामने ऐसा बातें करोगे, इनसे मिलो। ए विवेक जी तो कितना मार्केट के बारे में भी जानते हैं, मार्केट का कोई सवाल पूछो इनसे। सर परसों जो है मार्केट में हमारी साइकिल गायब हो गई, आपने देखा है क्या? हमारी साइकिल गायब हुई ना। हाँ। इसलिए दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल समझते हो। हाँ। चल लोगे? हाँ। 20 कदम चलोगे? हाँ। घूमो जरा, अभी 20 कदम चल के दिखाओ, निकला।